आज पूरी कौम टेलीविजन खोल के जिस चीज के लिए बैठी हुई इंतजार करने वाली है वो है श्रीलंका कोलंबो में होने वाला पाकिस्तान और श्रीलंका का टाकरा। जी हां, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा ये मैच। पाकिस्तान के लिए करो या मरो की हैसियत रखता है, क्योंकि आज जो टीम हार जाएगी वो इवेंट से बाहर जाएगी और जो जीतेंगे वही फिनाले खेलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इजाज वसीम बाकरी कोलंबो में मौजूद हैं और बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उनके पास काफी इन्फो होगी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज। हाँ जी, वालेकुम सलाम फहीम और सर। इजाज क्या हाल है? आज तो मौसम कुछ खुशगवार लग रहा है, वरना तो हमेशा आपके पीछे मेघा बरसती रहती है। हाँ, आज क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और अमूमन मैं टॉप रूफ पे आप लोगों के साथ रोजाना बीपर पे होता हूँ, तो इसलिए आपको कुछ यहाँ पे बेहतर हालात लग रहे हैं। लेकिन मौसम कोलंबो का आज बेहतर है, वेदर फोरकास्ट है। टॉस के वक्त क्योंकि यहाँ श्रीलंका के लोकल टाइम के ऊपर 3 बजे जब मैच शुरू होना है तब वेदर फोरकास्ट है, और फिर दोबारा रात को 8 बजे फिर एक बारिश के शावर्स की तवक्को है। और उम्मीद यही है क्योंकि अब तक अगर आप कोलंबो का वेदर रिडार देखें तो 70% बारिश होने के इम्कान दिखाई देते हैं। 70% तो ये जो 70% होते हैं ये फिर कम होकर 30% भी हो जाते हैं, 50% भी हो जाते हैं। लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलने पर तवज्जो देनी होगी, बारिश रुकावट अच्छी क्रिकेट है। कैसे खेलेंगे यार, अच्छी क्रिकेट कैसे खेलेंगे? आप टीम के साथ हैं, होटल में भी आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पूरी टीम आधी टीम 5 खिलाड़ी तब्दील हो चुके हैं, पूरी टीम शफल हो चुकी है इस वक्त। क्या मोराल है टीम का? और जरा ये जो चेंजेस हुई है इनके बारे में बताइएगा कि कौन सी तब्दीली जो है वो आपको लग रही है कि हाँ जी ये टिका के ले आए। देखिये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट रखी हुई है उसमें जो एक साहब है मिकी ऑर्थर साहब, वो टीम के साथ मौजूद ही नहीं है। तो अब जो टीम मैनेजमेंट है वो बाबर आजम के हाथ में है, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये सब लोग जो है उस थिंक टैंक का हिस्सा है, और ब्रेड बर्न जो पाकिस्तानी टीम के कोच है, और मिकी ऑर्थर दूर बैठे हुए। तो ऐसे में वो तो इंग्लैंड चले गए ना पैसे कमाने। तो ऐसे में प्रॉब्लम है इन लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को 3 जो तब्दीलियां हैं वो फोर्सफुली करनी पड़ी हैं। नसीम शाह, हारिस रूफ और आगा सलमान, ये तीनों इंडिया के खिलाफ मैच में जख्मी होने की वजह से बाहर हुए और इन तीनों को आज का मैच नहीं खिलाया जा रहा है, जबकि 2 प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है दानिश्ता तौर पर, एक फखर जमान को और एक फहीम अशरफ को। ये पाकिस्तान ने 5 प्लेयर्स को टीम से आज रेस्ट कराया हुआ है, बाहर बिठाया है, और जो लोग खेलने आ रहे हैं उनमें इमामुल हक के साथ फखर जमान की जगह ओपनिंग बल्लेबाज के तौर के ऊपर मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनको मैदान में उतारा जा रहा है। इस फैसले की समझ नहीं आई है कि ये बाबर ने और टीम मैनेजमेंट ने, हालांकि अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस सर इमर्जिंग टीम का जो अभी हुआ था ACC का ही एशिया कप का फाइनल, उसमें कप्तान भी थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने इंडिया के मुकाबले में। फहीम भाई, मैं यहाँ श्रीलंकन कंडीशन को देख के, अगली ऑपोजिशन को देख के, टीम की सूरत हाल को देख के, अब्दुल्ला एक सॉलिड बैट्समैन था, अब्दुल्ला को चांस मिलना चाहिए था। चलो हारिस को भी मिल गया, शायद कहीं ना कहीं ये एक हिकमत अमली है कि पहले जो 10-15 पावर प्ले के ओवर होते हैं तो अगर उसमें अच्छा आगाज दे गया तो, क्योंकि मिडिल ओवर जो श्रीलंकन बॉलर है वो बहुत तंग करते हैं, वो अच्छी स्पिन बॉल डालते हैं तो मिडिल ओवर में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हारिस को डाला गया है। और जो फहीम अशरफ को ड्रॉप करके लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज को वापस स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है, नवाज को जमान खान को पाकिस्तान से सफर कराया गया है, वो हारिस रऊफ को रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो सलमान अली आगा के लिए नंबर 5 के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो रिप्लेसमेंट टीम के अंदर आई है वो है सऊद शकील, और जो कि बहुत सॉलिड बैट्समैन है और स्पिन के खिलाफ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड है। और जो आखिरी चेंज है वो है नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर को पाकिस्तानी टीम में डाला गया है। अब पाकिस्तान 8 तब्दील शुदा टीम के साथ आज मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज है जो कि हम इंडिया वाले मैच में उस दिन दिखाई नहीं दिया है, वो है दलेरी। इनको दलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। ये ऐसी टीम है, ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देती है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, लेकिन ऑन द डे ये जब टीम थोड़ा सा डिफेंसिव तो मुझे ये बताएगा एजाज, अभी जैसा कि इतनी तब्दीलियां आपने टीम में बता दी हैं, इस इवेंट के बाद फौरन ही अराउंड द कॉर्नर दूसरा इवेंट खड़ा हुआ है वर्ल्ड कप का, तो फिर क्या इन्हीं तब्दीलियों के साथ हम आगे भी जाएंगे? और दूसरा, इन तब्दीलियों के बाद आज आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? हमारा रन्स आप कहां तक जाते देख रहे हैं? सिचुएशन क्या बनेगी आपके ख्याल में? देखिए, जो श्रीलंकन कंडीशन है, अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करता है, क्योंकि बाबर आजम ने उस दिन इंडिया को बैटिंग करवा के गलत फैसला किया था जो कि हमें बहुत महंगा भी पड़ा, तो अगर पाकिस्तान खुद बैटिंग करता है तो इस विकेट पर
260 रन 270 रन को आप आसानी के साथ डिफेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जब ज्यादा रन इंडिया क्योंकि दो दिन खेलता रहा 350 रन कर गए तो पाकिस्तान 120 कर सका, और फिर जो इनका अपना मैच था इंडिया और श्रीलंका का ये भी 200 के करीब दोनों टीमों के रन थे और श्रीलंका तो बिल्कुल 40 रन हार गया 160 करके आउट हुआ है। तो पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है अगर 250 रन पाकिस्तान करता है। अच्छा, मैच वही हो रहा है, पिच के बारे में भी कुछ बताइए क्योंकि ये श्रीलंका और इंडिया का जो मैच हुआ था ये इसी स्टेडियम में हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो स्कोर ज्यादा स्पिन को जो है वो सपोर्ट करती है। विकेट विकेट के बारे में, पिच के बारे में भी कुछ बताइए। देखें फहीम, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सुपर फोर का राउंड है वो एक ही स्टेडियम में एक ही ग्राउंड में हो रहे हैं, तमाम मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर हो रहे हैं और आगे फाइनल भी इसी सेम वेन्यू पे जहाँ पर पाकिस्तान आज खेलने जा रहे हैं प्रेमदासा। जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो दो दिन तक पिच इस्तेमाल होती रही है, जो फिर इंडिया और श्रीलंका के मैच में अगले दिन इस्तेमाल हुई है वो सेकंड पिच थी, आज थर्ड विकेट के ऊपर मैच होने जा रहा है। और प्रॉब्ली मुझे किसी ने बताया है, मैं उसको अभी तक चेक नहीं कर सका, कि शायद ये दोबारा इंडिया पाकिस्तान मैच वाली सेंटर वाली विकेट इस्तेमाल होगी, लेकिन सेंटर वाली विकेट इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टूर्नामेंट का होस्ट है। स्टेडियम श्रीलंका का जरूर है लेकिन उसमें जो इंतजाम है वो पीसीबी के पास है और पीसीबी कभी भी इस्तेमाल शुदा विकेट के ऊपर मैच नहीं करवाएगा, तो इसलिए आज तीसरा पिच ही इस्तेमाल होगा। काश ये सेकंड वाली विकेट इंडिया के मैच के दौरान भी चेंज करवा के कुछ कर दिया जाता, हैवी रोलर चलवा देते हम भी भाई, जैसे हमारी विकेट पे चलाया गया। खैर बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने ये कहा है कि तकरीबन 270 के करीब अगर रन हो भी चेस करना आसान होगा, इसके अलावा आपने कहा कि पहले बैटिंग करनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और देखते हैं अब 2:30 बजे पता चलेगा कि सूरत हाल क्या होने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।